सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। भाई आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही एक छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं भाई बताऊंगा आपको कि मैंने मेरी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं और कितने के क्या हो रखे हैं। तो आज इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे, तो वीडियो को भाई पूरा देख लेना, छोटा सा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो अगर आपके पास RS 200 है तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ये खड़ी है अभी अपनी बीस, और अभी मैं थोड़ा सा शांत वाली जगह पर आया हूँ जहाँ पे थोड़ी लाइट वगैरह भी प्रॉपर है और अच्छी खासी धूप भी निकल रखी है यहाँ पर। और ना गाड़ी अभी जस्ट मैं वॉशिंग करवा के आया हूँ, तो वॉशिंग कराने के बाद भाई गाड़ी देखो कैसी चमक रही है, और इसका कलर भी भाई काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है आज देखने में। गाड़ी अगर धुल जाती है ना तो काफी ज्यादा सेक्सी बन जाती है भाई गाड़ी। गंदी गाड़ी रहती है ना तो उसको देखने में भी फील नहीं आता है, ना ही चलाने में इतना फील आता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें चेंजेस करा रखे जो आप भी आपके RS के अंदर करवा सकते। तो सबसे पहला जो चेंजेस है और जो सबसे पहला डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा भाई इसकी टेल में, तो इसकी मैंने भाई जो पीछे की टेल लाइट रहती है वो निकाल दी है, और निकालने के बाद मैंने इसमें ये टेल टाइडी लगवा ली है। तो ये है इसमें मैग्नेटिक वाली टेल टाइडी जो कि ऐसे पीछे भी हो जाती है और ये यहाँ पर ऐसे लॉक भी हो जाती है। तो मैग्नेटिक वाली टेल टाइडी मैंने इसलिए लगवाई है कि भाई मुझे चाहिए थी एक छोटी सी टेल टाइडी, और छोटी वाली ये मैग्नेटिक में ही मिल रही थी मुझे, तो इसीलिए मैंने मैग्नेटिक वाली लगवा ली इसमें। तो ये ऐसी कुछ है, और गाड़ी भाई इसको लगवाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्टिव बन जाती है गाड़ी। देखो माना ऑलरेडी RS 200 भाई बहुत अट्रैक्टिव गाड़ी दिखती है, बहुत अच्छी गाड़ी दिखती है, बाकी टेल निकलने के बाद ना और ज़्यादा इसका लुक इन्हेंस हो जाता है। तो अब देखो आप ये टेल निकलने के बाद, और एक क्लिप मैं आपको डाल देता हूँ कि टेल के साथ कैसी लगती है गाड़ी। और दूसरी चीज़, अगर आप टेल निकाल देते हो ना तो गाड़ी भी थोड़ी सी उठी हुई लगती है, पीछे से आपको ऐसी फील आएगी कि हाँ भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर है, और लुक वाइज भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। बाकी अब इसमें टेल लाइट का काम बाकी है, और टेल लाइट अभी लगानी है, तो टेल लाइट भाई मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी वाली लगाऊँ। एक कोई स्ट्रिप वाली लगाते हर कोई, तो वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कोई अच्छी वाली ढूंढूंगा और लगाऊंगा। तो अभी तक तो मिली नहीं है, जैसे ही मिलती है यहाँ पे ऐसी लगवा लेंगे। और टायर का मैंने जो टायर मडगार्ड रहता है पीछे, वो भी मैंने इसमें निकाल रखा है, तो उसकी वजह से क्या है कि टायर का एकदम कम्प्लीट प्रॉपर लुक आ रहा है, क्योंकि अपन ने टायर भी इसमें 140 सेक्शन का अपोलो अल्फा S1 लगवा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टायर है इस गाड़ी के लिए। तो भाई इसका मैंने फुल वीडियो भी बना रखा है, तो फुल वीडियो की लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको अगर टायर लेना हो तो इसकी डिटेल में पूरी वीडियो डली हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। हाँ तो भाई अब बात करते हैं कि मुझे इस टेल टाइडी को लगवाने में खर्चा कितना आया। तो ये जो टेल टाइडी में है ना, 450 से 500 रुपए का मुझे खर्चा आया है। 450 से 500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 450 रुपए में टेल टाइडी कम्प्लीटली फिट हो गई थी, और 100 रुपए की मैंने ये नंबर प्लेट अलग से बनवाई थी छोटी वाली, क्योंकि मुझे भाई पीछे का लुक कम्प्लीट अच्छा चाहिए था कि गाड़ी पीछे से थोड़ी ब्रॉड दिखे और अच्छा से लुक निकल के आए, तो इसलिए मैंने छोटी नंबर प्लेट लगाई, क्योंकि बड़ी नंबर प्लेट से कवर हो जाता है। बाकी छोटी नंबर प्लेट पीछे के लिए भाई इलीगल रहती है, लीगल नहीं है ये। तो अगर आप लगवाते हो तो भाई आप अपनी रिस्क पे लगवाना, मैंने भी मेरी रिस्क पे ही लगवा रखा है ये। हाँ तो चलो बढ़ते हैं आगे, और भी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या किया हुआ है मैंने। तो भाई ये जो इसमें पीछे की साइड है ना, यहाँ पे स्टिकर लगा रहता है, तो वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि व्हाइट कलर से ना गाड़ी आपकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखती है, तो पीछे वो स्टिकर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो इसके चलते भाई मैंने स्टिकर निकाल दिया है वो, जिसकी वजह से पूरा ये जो पार्ट है ना पूरा कंप्लीट वाइट दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वाइट दिखने पे। तो इस स्टिकर को निकालने में तो आपको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगने वाला है, तो ये तो आप घर पे भी निकाल सकते हो भाई स्टिकर। आप स्टिकर अगर निकालो तो भाई हेयर ड्रायर जो रहता है ना उससे थोड़ा गर्म कर लेना, तो जिसकी वजह से क्या है जो गम वगैरह रहता है वो इस पर लगे ना। तो बढ़ते आगे, और भी जो मैंने मॉडिफिकेशन करा रखे उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई आगे की तरफ आओगे ना तो ये आपको दिखेगी यहाँ पे एंजल आईज, तो ये जो एंजल आई है ना ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखी है, और इसका कुछ 200 रुपये इसका एंजल आई का कॉस्ट है, और फिटिंग का भाई 50-1 रुपये में आपका कोई भी फिट करके दे देगा, कोई भी नॉर्मल मैकेनिक। तो इसको भी एक बार मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, अब ये जो रात को जो गाड़ी निकलती है ना भाई, अलग ही इसका लुक आता है, काफी ज्यादा अच्छी दिखती है भाई ये एंजल आईज की वजह से गाड़ी। पहले मैंने रेड लगवा रखी थी इसमें, बाकी रेड में ना थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं लग रहा था मुझे, तो इसी के चलते मैंने इसको व्हाइट लगवा ली थी। तो ऐसा कुछ है भाई आगे का, देखो ये एंजल आई लगने के बाद गाड़ी ऐसी कुछ लगती है आगे से। और जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाइजर रहता है, तो इसको भी मैंने भाई ये रैप करवा लिया है ब्लैक से, तो ब्लैक की वजह से भी लुक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ट्रांसपेरेंट पे क्या है कि थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे, इसलिए मैंने उसको ब्लैक रैप करा लिया। बाकी वाइजर मेरे पास इसका रखा हुआ है जो बबल वाइजर आता है, काफ़ी जल्द मैं इसमें वो वाला वाइजर भी लगवाने वाला हूँ। और ना अभी एक नया मॉडिफिकेशन भी करवाया था मैंने, जो कि इसकी ये चेन स्प्रॉकेट,
इसमें मैंने गोल्डन रोल ऑन की ब्रास वाली चेन लगवा रखी है, तो इसकी भी तुमको वीडियो जाके देख लेना एक बार, चैनल पे मिल जाएगी। और जो स्टॉक रहता है ना, स्टॉक वाले से काफी ज्यादा बढ़िया है, इसमें तुमको चेन नॉइस वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसका प्राइस मुझे कुछ 3000 रुपये के आसपास लगा है, तो जाके तुम भाई डिटेल में वीडियो अगर देखना हो तो देख लेना। और मैंने इसमें लगवा रखा है भाई ये इंडिकेटर फ्लेशर, जो आप देख रहे होगे चारों इंडिकेटर चल रहे हैं एक साथ, और इसमें 45 अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं। तो ये भी भाई मैंने पूरा, इसका एक मॉड्यूल आता है वो इसमें लगा रखा है, मैं आपको मॉड्यूल भी दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई इसका मॉड्यूल जो है ना, ये निकालने के लिए इसको यहाँ पे पीछे की सीट आपको खोलनी पड़ेगी, एंड ये इसका कुछ मॉड्यूल है यहाँ पे सिमटेक का मैंने इसमें लगाया हुआ है। और इसका भी भाई डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, तो लिंक में सबकी इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको चाहिए हो ये चीज़ करवानी हो तो भाई जाके आप देख सकते हो। और ये भाई बिल्कुल ही प्लग एंड प्ले वाला है, इसमें बस ये कपलर खोल के कपलर फिट करना है और आपका चारों इंडिकेटर वाला जो फ्लैशर है वो चालू हो जाएगा। और चालू करने का भी एक बार मैं तरीका इसमें बता देता हूँ, इसको बस ये लेफ्ट राइट सेंटर करना होता है और आपका फ्लैशर चालू हो जाता है। पैटर्न चेंज करने हो तो लेफ्ट राइट सेंटर कर दो, पैटर्न भी चेंज ऐसे होते जाते हैं। तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है भाई ये रात में देखने में। और इसका जो कॉस्टिंग आया है ना मुझे 1550 रुपए कुछ था, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सिमटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड भाई इसमें अपन दो तीन मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छे अच्छे इसमें करवाने वाला हूं मैं। तो एक तो जो है इसका ये अंडर बेली, तो इसकी अंडर बेली जो आपने देखी होगी यहाँ तक की जो आती है, तो वो वाली मैं इसमें लगवाने वाला हूँ, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो भी काफी जल्दी आने वाली है। तो वो लग जाएगी ना गाड़ी का नीचे से भी जो लुक है ना भाई, बहुत ही सेक्सी वाला बन जाएगा। और जो दूसरी चीज है भाई कि मैं इसका काफी जल्द कलर चेंज करवाने वाला हूँ, तो जो गाड़ी का जो कलर रहेगा ना वो अपन स्टॉक गाड़ी में ही नया कलर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बजाज वाले भी नहीं कर पाए, वो चीज तुम्हारा भाई करेगा। तो अभी थोड़े दिन में बस मैं RS को चेंज करवाने वाला हूँ कम्प्लीटली इसका लुक, तो तुम जब देखना भाई कैसी क्या लगेगी। अभी तो तुमने देख ही लिया है, अभी ये कुछ छोटे छोटे से मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखे इसमें। बस यही था भाई आज का वीडियो, जो इसमें मॉडिफिकेशन छोटे छोटे मैंने अभी तक करवा रखे वो मैंने आपको बताया है। सो भाई वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।